कहूंगा ये शुभ अवसर पर आप सब लोग सत्यमोहन जोशी जी की जय बोलें। जय सत्यमोहन जोशी जी। जोशी जी आप 100 वर्ष के हुए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आपके 100 साल के होने से हम सब में ये 100 साल की जिसको कहते हैं एक यूनिक किस्म की शक्ति आई। हम अपनी संस्कृति, अपना विचार, अपनी धारा, उस सब को समझ सके, क्योंकि आपने ये हमारे लिए, आज के लोगों के लिए पेश किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे साथ मानेंगे कि आज ललितपुर की महानगर पालिका ने, मेयर साहब ने, काठमांडू के मेयर साहब यहां पर हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं, और ये इतने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उपमेयर, बाकी लोग यहां पर हैं, ये सब लोग इसलिए यहां पर हैं और मैं भी इसलिए हूं। मुझे आपने बुलाया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि सत्यमोहन जोशी जी ने हमें अपनी संस्कृति से जोड़ा, हमें अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान दिया। और मुझे बहुत खुशी है सर कि आपके ये जो काम आपने किए उसने हम दोनों देशों पे, भारत और नेपाल के जो प्राचीन संबंध हैं, जिसमें ललितपुर जहां पर यहां अशोका पिलर्स मिले, मुझे बहुत खुशी है यहां पर बुद्धि राय भद्राचार्य साहब बैठे हुए हैं, जिनके साथ हमने आप लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। ये सब चीजों को ज्ञान मिलने के लिए हमारे लिए आपका जो सहयोग है उसके साथ शायद ही कोई इससे बड़ी चीज हो सकती। मैं और समय ना लेता हुआ मैं सत्यमोहन जोशी जी को उनके 100 वर्षों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, खास करके ललितपुर की म्यूनिसिपैलिटी को, मेयर साहब को, जिन्होंने ये सब आयोजित किया। मैं अपनी तरफ से, भारत की तरफ से आप सबका शुक्रगुजार करता हूं, और मैं मानता हूं कि मुझे सिर्फ ये गर्व नहीं दिया, ये आपने भारत को दिया और भारत के लोगों को दिया, क्योंकि आपका और हमारा एक ऐसा रिश्ता है जैसे मैंने कहा सम्राट अशोक के समय से चलता है, और ये रिश्ता चलता ही आया है, और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम रिश्ते को इसको आगे लेके जाएंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी, आपके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, मैं आपको बहुत धन्यवाद उसके लिए कहता हूं। और आप यहां आए, और मैं मानता हूं कि आपकी प्रेजेंस जो है वो भी इस चीज की टेस्टिमनी है कि ये संबंध जो है, ये जो संस्कृति जो है, ये जो हम लोग प्रकृति से हजारों सालों से जुड़े हुए हैं, ये सब चीजों का ये प्रतिबिंब है कि हम लोग इस चीज को इकट्ठे मानते हैं और इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे। सत्यमोहन जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और भारत की तरफ से आपको धन धन शुभकामनाएं, और समय और बढ़िया चीजें करने के लिए, ताकि हम लोग अपने आप को यहां पर समझ सकें और आगे मानव जात के बीच में एक बढ़िया समुदाय बना सके। धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, अनि भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ।